स्वच्छ सुंदर शहर झारखंड की राजधानी, शहर का दिल राजधानी रांची। बड़ा शहर बड़ी आबादी, उतनी ही बड़ी समस्याएं। 3 लाख की आबादी, हर रोज लाखों लीटर पानी की खपत, हजारों घर से हर रोज सैकड़ों टन कचरा नालियों में बहाया जाना। बावजूद इसके इस शहर में एक अदद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं है। सीवरेज ना होने की वजह से शहर की सुंदरता और स्वच्छता पर बट्टा लगता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही शहर के भूगर्भ जल को दूषित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में पहल नहीं की गई। 4 साल पहले शहर में सीवरेज ड्रेनेज लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया। पहले फेज में 9 वार्ड में यह लाइन बिछाना था, जिसमें मात्र 6 वार्ड के कुछ हिस्सों में ही सीवरेज लाइन बिछ पाया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर 29 दिसंबर को मुरहाबादी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की ओर से शिलान्यास किया गया। एजेंसी भी नामित कर दी गई और इसके लिए एग्रीमेंट भी हो चुका है। बहुत जल्द इसके लिए काम भी शुरू होगा। जो सीवरेज का है, ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 दिसंबर को एक कार्यक्रम में मुरहाबादी में जो है उसका ऑनलाइन शिलान्यास उसका करा है, और जो है वो एजेंसी भी जो है नामित कर दी गई है। साथ ही साथ एक पीएमसी की जरूरत थी, पीएमसी को भी नामित कर दिया गया है, इकरारनामा हो गया है और बहुत जल्द जो है वो अपना काम प्रारंभ करें। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने की वजह से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि अधूरे सीवरेज ड्रेनेज लाइन के काम की वजह से वार्ड नंबर 1 से 5 और 30 से 33 के तहत बजरा, पंडरा, पिस्का मोड़, बैंक कॉलोनी, रातू रोड, इंद्रपुरी, अलकापुरी, मुरहाबादी, बूटी बस्ती की सड़क की स्थिति भी खराब हो गई है। 80 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन इतना वक्त और खर्च होने के बावजूद इसका लाभ अब तक लोगों को नहीं मिल पाया। एक बार फिर से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू हुआ है, फिर से टेंडर हुआ है और आने वाले वक्त में काम शुरू होने के आसार भी हैं। कब फिर से टेंडर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि एनालिसिस करने की आवश्यकता है। 9 वार्डों में काम होना है, 9 वार्डों में काम होना है। पहले भी लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, परिणाम शून्य है। आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि 280 करोड़ की योजना परिणाम शून्य हो जाए। 4 साल का वक्त, करोड़ों रुपए खर्च और नतीजा 0। शहर को सीवरेज प्लांट देने के लिए एक बार फिर से पहल हुई है, लेकिन पिछली गलतियों को ना दोहराते हुए नए सिरे से काम करने की जरूरत है। कमल कुमार, ETV भारत, रांची।